हेलो, कैसे हो? आज हमारा सैंडे स्कूल सिलेबस 20 पर हम पहुंच गए हैं, तो चलिए हम देखेंगे। पिछला हफ्ता हमने क्या कहानी देखा था? येसा और याकूब के बारे में। जो येसा था, उसने जो उसका आशीर्वाद था, जो बर्थ राइट था, उसने वो खो दिया और वो आशीर्वाद किसको गया? याकूब को चला गया। तो हमने ये सीखा, हमारा लाइफ में भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीर्वाद रखा है, उसे हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए। और हमने वचन पे भी देखा, परमेश्वर ने याकूब को अपने लिए चुना था। तो आज परमेश्वर ने हम सबको चुना है, किसके लिए? उनके स्वर्ग राज्य के लिए। आज भी हम लोग देखेंगे उस याकूब के बारे में। याकूब को उसके मम्मी पापा ने उसे घर से भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो उसके ऊपर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने चोरी छुपके उसका आशीर्वाद ले लिया, उसे मारने तक चला गया था। तो इसके लिए याकूब का मम्मी पापा ने उसे उनके भाई के घर पे, यानी जो रेबेका थी याकूब की मम्मी, उनके भाई के घर पे, लाबान जिसका नाम है, उसके घर पे भेज दिया। अभी याकूब जा रहा था, रास्ते पर वो एक जगह पर रात को सोने के लिए रुक गया था, और वह सोते समय उसे एक सपना आया, और वो सपने पे आसमान खुला था और एक बड़ी सी सीढ़ी रखी हुई थी, और उस पे से स्वर्गदूत उतरते हैं और ऊपर जा रहे हैं, वैसा उसे दिखा। और एकदम ऊपर परमेश्वर खड़े होकर उसे आशीर्वाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, हे याकूब, मैं तुझे आशीर्वाद करता हूँ, तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, तू जिस देश को छोड़कर तू जा रहा है मैं फिर से तुझे उसी देश पर लेकर आऊँगा, और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे पूरा करने तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं करके परमेश्वर याकूब को आशीर्वाद देते हैं। और वो उठ जाता है, और उसे उठते ही उसे पता चलता है कि परमेश्वर ने उसे बातें किया और उसे आशीर्वाद किया। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता है और कहता है, परमेश्वर जैसे आपने बोला और ठीक आप वैसे ही करेंगे, तो मेरी सारी कमाई, जितनी भी आप कमाई देंगे उसमें से आपको मैं दशमांश दूंगा, यानी कि जो टाइथ्स है वो मैं आपको ऑफरिंग करूंगा करके उसने प्रॉमिस किया। अभी तो याकूब के पास कुछ भी नहीं था, याकूब तो खाली हाथ था, और अपना मम्मी पापा ने उसे भेज दिया, बोला कि तू अपने मेरे भाई के घर चला जा, अपने रिश्तेदार के घर पर जाकर रह लेना कर। और फिर याकूब वहां से निकला और वो जाकर पहुंचा लाबान के घर पे, यानी कि उसके मामा के घर पर जाके वो पहुंच गया। उस याकूब को देखकर लाबान बहुत खुश हो गया, बोला कि मेरी बहन का लड़का आया है, काफी साल के बाद आया है, मैं बहुत खुश हूँ। और उसके पूरे घर वाले खुश थे। और जो लाबान था उसको दो बेटी लोग थे, सबसे बड़ी बेटी का नाम लेआल थी और दूसरा बेटी का नाम राहेल था। अभी वो जो वहाँ पर पहुँचा तो उसको जो दूसरी बेटी थी वो बहुत सुंदर दिखती थी, और याकूब को वो पसंद भी आई। और तो जाके याकूब ने लाबान को जाकर बोला कि मुझे आपकी जो दूसरी बेटी है बहुत अच्छी लग रही है, मैं उससे शादी कर लूँ क्या? और वो लोग तो रिश्तेदार थे, तो लाबान सोचा कि मैं किसी और को मेरी बेटी को दूँ, तुझे ही दे देता हूँ करके वो खुश हुआ। लेकिन उसने एक शर्त रखा कि तुझे मेरे पास 7 साल काम करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं मेरी बेटी को तुझे दूंगा करके। तो याकूब ने मान लिया, बोला कि मैं 7 साल काम करने के लिए तैयार हूँ। वो लाबान के पास 7 साल तक काम कर रहा था, और काम जब भी उसका 7 साल पूरा हुआ तो वैसे ही लाबान ने उसकी बेटी को शादी करा कर दिया। लेकिन लाबान ने वहाँ पर क्या किया, उसकी छोटी बेटी को नहीं दिया जिसे याकूब चाहता था, उसकी बड़ी बेटी को, यानी कि जो लेहाल थी, उसे दे दिया। और शादी होकर सुबह जब ही उठा याकूब, तो याकूब जाके लाबान से बोलने लगा, मैंने तो आपकी दूसरी बेटी को पसंद किया था, लेकिन आपने पहली बेटी मुझे दे दिया है, ये ऐसा क्यों किया आपने? तो लाबान बोला, जब बड़ी बेटी है तो छोटी बेटी का मैं शादी नहीं करवा सकता हूँ, अगर तुझे चाहिए मैं तुझे दूसरी बेटी भी दूँ और 7 साल काम कर मेरे पास। तो अभी
उप सोचा ठीक है मैं 7 साल और काम करूंगा करके उसने और 7 साल काम किया। उसके बाद उसने राहेल से भी शादी किया। ऐसे ही 14 साल बीत गए थे और जब याकूब लाबान के घर गया था, लाबान के पास जो संपत्ति थी वह बहुत कम था, लेकिन याकूब वहां पर जाने के बाद जब याकूब काम करने लगा उसकी भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे ही करते करते जो याकूब था उस लाबान के पास 20 साल तक रहा। कितना साल रहा? 20 साल तक रहा। उसको कई सारे बेटे लोग भी पैदा हो गए थे, बच्चे लोग। उसके बाद में याकूब ने सोचा अभी इतना साल हो गया है तो मैं अपना पिता के घर जाता हूँ करके, तो वो गया लाबान के पास, बोला कि मैं इतने साल आपके साथ था पर आपने मेरा काम को भी देखा है, अभी मुझे मेरे पिता के घर पे जाने दीजिए, मैं मेरे पत्नियों को और मेरे बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तो लाबान सोचा अरे ये चला जाएगा तो मेरा जो भी कमाई है, मेरा जो काम है, जो मेरा आशीर्वाद है सब रुक जाएगा। तो लाबान ने प्लान किया, सोचा इसको कैसा ना कैसे तो रुका देता हूँ करके उसने और भी उससे बातें करके बोला मैं तुझे पगार देता हूँ, तू रुक जाना इधर ही मेरे पास ही रुक जाना, तू क्यों जा रहा है, क्या कमी है तुझे करके वो बातें करने लगा। उसे नहीं जाने देने के लिए वो प्लान कर रहा था और उसे वो रुकाना चाहता था। वो सभी चीजों को वो फेस किया। वो जो लाबान था उसका घर पे उसके जो बच्चे लोग थे उनको लग रहा था ये याकूब हमसे भी बड़ा हो जाएगा, ये याकूब हमारे पापा का सभी संपत्ति को छीन लेगा करके उनको याकूब से बहुत जलन भी हो रहा था। तो याकूब ने सोचा अभी हम यहाँ पर कैसे रहेंगे करके याकूब जाके प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने बोला तो अब यहाँ से तो अपने पिता के घर जा, मैं तेरे संग हूँ करके। तो उसके बाद वो उठा और वो जाकर लाबान को बताया और अपने पत्नी लोग को बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे अपने घर पर जाने के लिए, अपने पिता के घर पर, तो हम सब लोग जाएंगे करके। वो लोग तैयार हो गए और वो लोग निकल पड़े अपने पिता के घर के लिए। लेकिन आपको याद है जो याकूब का बड़ा भाई था एसा, उसके ऊपर बहुत गुस्से में था ना। लेकिन वो उसको उधर जाने के लिए वो निकल पड़ा, लेकिन उसके अंदर एक डर था मेरा बड़ा भाई शायद आज भी गुस्से पे ही होगा ना। कई सारे लोग बहुत सालों साल तक गुस्से पे रहते हैं ना, तो उसको भी लगा कि शायद मेरा जो बड़ा भाई है अभी भी गुस्से में रहेगा, शायद मुझे मारने आएगा, शायद मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी मारने के लिए वो सोचेगा। उसके अंदर बहुत डर आ गया था। जब वो रास्ते पर जा रहा था उसको खबर मिला कि उसका भाई आ रहा है उससे मिलने के लिए, तो उसको और डर आने लग गया कि अरे मेरा भाई आने वाला है तो शायद मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को भी वो ख़त्म करेगा, वो मेरे साथ जो नौकर लोग हैं, जो मेरा भेड़ बकरी है सबको शायद वो ख़त्म करेगा करके उसको बहुत डर आने लगा। तो उसने क्या किया, उसने सब लोगों को किनारे के उस पार भेजा, बोला आप लोग आगे जाओ, मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। और उस रात को याकूब अकेला था और वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा भाई आने वाला है, पता नहीं वो गुस्से पर रहेगा, शायद वो मुझे मार सकता है, मेरे परिवारों को ख़त्म करने की सोच सकता है, आप मुझे बचाइए करके। जो याकूब था वो प्रार्थना कर रहा था, तब एक मनुष्य वहाँ पर आया और वो मनुष्य उस याकूब से लड़ने लगा, लड़ाई करने लगा और ये याकूब भी उससे लड़ने लगा और याकूब ने उसे छोड़ा नहीं। और पता है वो मनुष्य और कोई नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था और याकूब उनसे लड़ रहा था और वो छोड़ नहीं रहा था, बोला कि परमेश्वर आप मुझे आशीर्वाद करो। और वो इंसान बोला मनुष्य और वो मनुष्य बोला कि ये याकूब मुझे छोड़, समय होने वाला है, उजाला होने वाला है, दिन आने वाला है, मुझे छोड़। लेकिन याकूब ने कहा आप जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं करेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो वो मनुष्य ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम याकूब है। तो उसने बोला अब से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम बनेगा इज़राइल करके। तेरा नाम क्या बनेगा? इज़राइल, मतलब तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी झगड़ा करके तू प्रबल हुआ है, तू सक्सेस हो गया है, तो तू आशीर्वाद मैं करूंगा करके।
मैं तुझे जरूर आशीर्वाद करूंगा करके उसने बताया। और वो कोई नहीं था, वो परमेश्वर ही था। हमारे जीवन पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, कई बार हमारा मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, कई बार हमें किसी और से झगड़ा होता है, हमारा दोस्त लोगों से झगड़ा होता है, हमारे घर के आजू बाजू लोगों से झगड़ा होता है, कई बार हमारे संग ऐसा झगड़ा होता है, हम भी क्या करते हैं, झगड़ा ही करते हैं, बहस करते हैं, बातें करते ही रहते हैं, वाद विवाद करते ही रहते हैं। नहीं, लेकिन याकूब को अगर हम देखेंगे, वो ये सब में नहीं पड़ा, वो केवल प्रार्थना कर रहा था। वो हर चीज, हर समय उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो भी उसने क्या किया, प्रार्थना किया, तो और उसने प्रबल पाया, परमेश्वर का आशीर्वाद को भी पाया। और जब उसका भाई नजदीक आया तो वो जाकर मिला अपने भाई को और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए। उसने झगड़ा नहीं किया, उसने उसको माफ कर दिया अपने भाई को। और याकूब ने परमेश्वर को धन्यवाद बोला कि परमेश्वर आप मेरे संग हो, हर मुसीबत में आप मेरे संग हो। तो हमें भी यही सीखना चाहिए, हमारे हर मुसीबत में हमें इंसानों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। जरूर परमेश्वर रास्ता देंगे, विश्वास करेंगे, ओके, याद रखेंगे। अभी हम एक सुंदर सा वचन देखेंगे। आपने देखा कहानी, वो याकूब को भी बहुत सारा मुसीबत आया, मगर वो परमेश्वर से हर चीज के लिए प्रार्थना करता था ना, और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद भी दिया। हमें भी इंसानों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इंसानों के पीछे हमें भाग भाग कर उनसे ही लड़ना छोड़ कर हमें परमेश्वर के पास जाने को सीखना चाहिए। अभी हम एक बहुत सुंदर सा वचन देखेंगे, रोमियो के पुस्तक 12वां अध्याय 12वां वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। एक बार फिर पढ़ता हूं, रोमियो के पुस्तक 12वां अध्याय 12वां वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बहुत सुंदर वचन ना, ये वचन यही कह रहा है, आशा में आनंदित रहो। याकूब को क्या आशा थी, परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था ना, जब वो सो रहा था परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तू जो देश को छोड़कर जा रहा है उस देश पर तुझे फिर से लेकर आऊंगा, जो मैं कहा उसे पूरा करने तक तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। यही आशा थी याकूब की और वो बहुत खुश था। और हमें भी परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं तो हमें आशा में आनंदित रहना चाहिए। दूसरा, क्लेश में स्थिर रहो। याकूब को भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया ना, लाबान के द्वारा, उसके बेटे लोगों के द्वारा बहुत सारा प्रेशर आया, 20 साल तक उनके पास वो काम करता रहा, कितना सारा प्रॉब्लम्स आया होगा, मगर वो स्ट्रांग था। हमारे भी प्रॉब्लम्स में हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, क्लेश में स्थिर रहो। तीसरा, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें कभी प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आता है इंसान के द्वारा या किसी भी लोगों के द्वारा, हमें उनसे झगड़ा करने का छोड़कर हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रार्थना में हमें परमेश्वर को बोलना चाहिए। एक बार फिर ये वचन को हम सब साथ में पढ़ेंगे, रोमियो 12वां अध्याय 12वां वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ओके, ये वचन को आप लोग याद रखना। अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, जैसे हमने वचन में देखा, हमें प्रेयर पे स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप है यीशु मसीह से स्ट्रांग करना चाहिए। हमारे पास भी प्रॉब्लम्स रहेगा ना, हमारे घर पे प्रॉब्लम्स रहेगा, हमारे घर के बाजू के लोगों से हमें प्रॉब्लम्स होगा, या हमारे दोस्त से प्रॉब्लम होगा, या कोई ना कोई हमारे रिश्तेदारों से, किसी ना किसी से हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, हम झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। नहीं, हमें आज वो छोड़कर हर चीज़ों को परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सीखना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे यीशु मसीह,
अब हम प्रार्थना करते हैं आप हमें मदद कीजिए हमारे सारे प्रॉब्लम्स में, हमें प्रेयर करने के लिए आप हमें हेल्प करना। हमारे घर पे प्रॉब्लम्स रहेंगे, हमारा दोस्त के साथ हमारा प्रॉब्लम्स होगा, या फिर इस दुनिया पर हमारे रिश्तेदारों से या हमारे अगल बगल के लोगों से, किसी न किसी लोगों से यदि हमारे कोई प्रॉब्लम्स है, हम उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप हमें मदद कीजिए हर चीज़ों को लेकर, हर बातों को लेकर हमें प्रार्थना पर आने के लिए आप मदद कीजिए। और आपने हमें प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस में हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए आप मदद कीजिए। आपके वचनों पर हमेशा चलने के लिए हमें सहायता करना और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें मदद करना। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आप लोगों ने देखा आज का सिलेबस, अच्छा लगा ना? हमें क्या करना चाहिए हमारे लाइफ में? वो याकूब को जैसे हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज के बाद हमारे फ्रेंड से झगड़ा करेंगे? नहीं। हमारे मम्मी पापा से, हमारे आजू बाजू के लोगों से? नहीं। हमें हमेशा हर चीज़ों को लेकर यीशु मसीह से प्रार्थना करने को सीखना चाहिए। जरूर यीशु मसीह हमारे हर रास्ते पर हमारे संग रहेंगे। ओके, इस सिलेबस को याद रखना, जरूर आपके संडे क्लास में अप्लाई करना और आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगला हफ्ता फिर एक बार सिलेबस के साथ मिलेंगे हम, तब तक बाय।